हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल दुनिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बीट इन्फ्लेशन थ्रू इन्वेस्टमेंट। मतलब हम इन्फ्लेशन जैसे अभी के टाइम में काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, इस केस में हम अपने जो आपका जो मनी है ना उसको कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि आप इन्फ्लेशन से ज्यादा गेन कर सके और इन्फ्लेशन के टाइम पे आप इजिली अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना उसको भी मैनेज कर सके। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेसिंग पावर ऑफ आवर करेंसी। सपोज कर लीजिए कि आज जो हम एक कप ऑफ कॉफी खरीद रहे हैं 20 रुपए में, वो इन्फ्लेशन के कारण क्या हो जाएगा, वो कप ऑफ कॉफी आपको मिलेगा 25 रुपए में। आने वाले टाइम में हो सकता है वो 30 रुपए में मिले। ओके, इससे क्या हो रहा है, जो कप ऑफ कॉफी हम 20 रुपए में खरीद लेते थे वो वही सेम कप ऑफ कॉफी के लिए हमें 25 रुपए या 30 रुपए पे करना पड़ रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, हमारा जो मनी है ना उसका परचेसिंग पावर डिक्रीज हो रहा है, इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। एंड अगर अभी हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो आपको पता है ना कि मई 2020 में रिटेल इन्फ्लेशन 7.04% के आसपास है। ओके, जो कि काफी हाई कंपेयर किया जा रहा है, अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे तो काफी हाई है। ओके, नेक्स्ट अब हम जो डिस्कस करेंगे ना वो है बीटिंग इन्फ्लेशन। सबसे पहले समझ लेते हैं कि बीटिंग इन्फ्लेशन मींस होता है क्या है। तो बीटिंग इन्फ्लेशन मतलब आपको बता दें कि जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो ना उस पर जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो जो आपका इकोनॉमी का इन्फ्लेशन रेट है ना उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। अदरवाइज जो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिलेगा वो नल के बराबर। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सबसे पहले सपोज कर लीजिए कि आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया एंड इस पे जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 4% का, देन जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1040 रुपीज। ओके, वही अगर हम अदर हैंड देखते हैं क्या, तो जो आज के डेट में जो इन्फ्लेशन रेट अगर हम सपोज कर लेते हैं 6% है, देन जो आपका जो अमाउंट 1000 है वो इन्फ्लेशन रेट के कारण क्या हो जाएगा, 1060 रुपए। मतलब आपका जो भी आप जो प्रोडक्ट आज 1000 रुपए में खरीद लेते हो ना, आने वाले टाइम वही सेम प्रोडक्ट के लिए आपको 1060 रुपए देने पड़ेंगे। बट अगर आप अपने जो अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो उसी टाइम में ग्रो कितना हो रहा है, 1040 रुपए, मतलब उस पर 40 रुपए ग्रो हो रहा है एंड जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो 60 रुपए से बढ़ रही है। तो इस केस में क्या है, अगर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट भी कर देते हो ना, आने वाले टाइम में उसी सेम प्रोडक्ट के लिए आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। इस केस में जो आपका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, जो भी आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर जो आपको रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है ना वो नल के बराबर, 0 के बराबर। एंड सबसे पहले आपको बता दूं ना कि बीटिंग इन्फ्लेशन में हम क्या करेंगे कि जो हम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं ना उस पर जो हम रिटर्न गेन करेंगे वो हमारा होगा इकोनॉमी की जो इन्फ्लेशन रेट है उससे ज्यादा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट में जो आपको बता रहा हूँ ना हाउ टू बीट इन्फ्लेशन इन इंडिया, मतलब इंडिया में हम इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर सकते हैं। अब तक हम डिस्कस करते हैं ना, अगर हमको अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे जो रिटर्न मिल रहा है ना वो अगर इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा है देन हम इजिली इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, अपने अमाउंट को उसी सेम इंटरवल में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं आपको कुछ ऑप्शन बताता हूँ जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना तो जो भी आप रेट ऑफ रिटर्न है ना इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा उस पर गेन करोगे। ओके, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट जो आता है ना वो हमारा इक्विटी इन्वेस्ट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट ना सबसे बेस्ट वे माना गया है इन्फ्लेशन रेट को बीट करने के लिए। आपको पता है इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं ना उसके प्राइस बढ़ने लगते हैं एंड हायर प्राइस लीड्स टू क्या होगा, हायर प्रॉफिट फॉर बिजनेस। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो बिजनेस जो वो कर रहे हैं ना, जो प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर रहे हैं उनके लिए वो ज्यादा प्रॉफिट गेन करके उनको देगा। ओके, एंड जब प्रॉफिट किसी भी कंपनी को प्रॉफिट बढ़ेगी तो उसका जो पर्टिकुलर शेयर है वो भी बढ़ेगा। तो जो आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना तो आपको उस पर अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। बट इसमें क्या होता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी है, इसमें होता है अगर आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो तो हो सकता है आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिले। मैं वो पर्सनली सजेस्ट करूंगा ना कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से उनसे सजेशन ले देन इन्वेस्ट करो। ओके, एंड अगर हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट में एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ रेट की बात करें तो उसमें आपको इजीली अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री चेक कर लेना तो उसके अकॉर्डिंग 10-12% सालाना आपको इनका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। ओके, वही अगर आप एफडी से इसको कंपेयर करोगे तो एफडी में कितना मिलता है आपका, 4-6%। एंड आज के डेट में हम इन्फ्लेशन को देख ले तो वो है 6-7%। वही अगर आपको ईयरली 10-12% आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट में मिल रहा है तो ये आपके लिए ना काफी मतलब विनिंग सिचुएशन है। ओके, आपका इन्फ्लेशन रेट भी 6-7% में, अगर आप जो अमाउंट जो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो 10-12% के बीच में जा रहा है। बट इसमें एक और कंडीशन ये है कि ये जो मैं इन्वेस्टमेंट आपको करनी है तो इसमें ना आपको लॉन्ग टर्म में सोचना होगा, 5 इयर्स 10 इयर्स, तभी जाके आप ना इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म में सोचोगे तो आपको बताओगे मार्केट काफी वोलेटाइल होता है तो उस केस में ना आप उतना अच्छा रिटर्न गेन नहीं कर सकते। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको लॉन्ग टर्म में लेकर चलो, देन आप इजिली इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब हम समझेंगे ना गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में। गोल्ड को ना सबसे बेस्ट माना गया है इन्फ्लेशन के टाइम पे हेज करने के लिए, क्योंकि आपको पता है गोल्ड पे जो आप रेट ऑफ रिटर्न गेन करोगे ना वो इजिली इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। बट गोल्ड में आपको लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर हम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की स्टडी को देखें तो उन्होंने क्या बताया, अगर इन्फ्लेशन 1% से इंक्रीज कर रहा है तो जो आपका गोल्ड का डिमांड है ना वो 2.6% से इंक्रीज करेगा। एंड आपको पता है कि किसी भी चीज का डिमांड बढ़ रहा है तो उसका जो है प्राइस भी बढ़े, देन आप इजिली अगर देखोगे ना कि इन्फ्लेशन के टाइम में गोल्ड का प्राइस काफी हाई रेट से इंक्रीज होता चला जाता है। ओके, एंड इस पे जो आपको रिटर्न मिल रहा है ना आप उसको इजिली इन्फ्लेशन को उससे बीट कर सकते हो। अगर हम 1971 से 2019 के बीच का इनका रिटर्न देखें तो वो है 10.61% के अप्रॉक्स। मतलब आप गोल्ड पे ना इजिली 10-11% का रिटर्न गेन कर सकते हो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 10 इयर्स 20 इयर्स के लिए। एंड आपको पता है इन्फ्लेशन रेट कितना है, 6-7%। जो गोल्ड पे आपको
रिटर्न मिल रहा है वो 10-11% के अप्रोक्स, तो आप इजीली इसमें इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ना वो है रियल एस्टेट के बारे में। रियल एस्टेट को भी ना सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना गया है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आप इजीली इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो, लेकिन रियल एस्टेट में ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको जो अमाउंट जो लगे वो ज्यादा होना चाहिए, या तो लाख करोड़, क्योंकि आपको पता है कि रियल एस्टेट का जो प्राइस है ना जियोग्राफिकल एरिया पर डिपेंड करता है। सपोज कर लेते हैं आपको घर बाई कर रहे हो जो कि मेट्रो सिटी में, ओके, वहां पे जो आपको अगर आप आज के डेट में उसे बाय करे 10 साल बाद उसको सेल करते हो, देन उसमें जो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वही अगर आप किसी टायर 3 या टायर 4 सिटीज में कोई घर बाय कर रहे हो 10 साल बाद उसको सेल कर रहे हो, तो दोनों के जो रेट ऑफ रिटर्न में ना काफी डिफरेंस होगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना, जैसे कि अगर रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करवाएंगे आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है, तो अगर हम आरबीआई हाउस प्राइस इंडेक्स की देखें ना, जो कि उन्होंने एक सर्वे किया था जो कि विच कलेक्ट रियल एस्टेट प्राइसेस इन 10 सिटीज, मतलब उन्होंने 10 सिटीज का रियल एस्टेट प्राइसेस कंपेयर किया था, उसमें उन्होंने दिखा दिया रियल एस्टेट में ना मतलब 10 साल का उन्होंने कंपेयर किया था, उसमें नोटिस किया उस पर भी ना रियल एस्टेट में भी ना इजिली जो रिटर्न गेन कर रहे हो ना वो 11.6%, तो अप्रॉक्स 11-12% का रिटर्न आप इजिली गेन कर सकते हो। एंड आज के डेट में जो हमारा इन्फ्लेशन रेट क्या है 6-7% के बीच में, देन अगर आप अपने अमाउंट इन्वेस्ट करो उस पर आप 11-12% का रिटर्न गेन कर रहे हो तो आप इजिली इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। बट ये है ना कि रियल एस्टेट में भी ना आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स लॉन्ग टर्म लेके चलना पड़ेगा, ओके। एंड साथ ही साथ ना आप रियल एस्टेट में जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो उसको आप ना उसके जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग भी करो, अच्छे सिटीज में बाय करो ताकि उसका जो प्राइस है ना वो भी उसी अकॉर्डिंग आप इंक्रीज होगा, एंड देन रेट ऑफ रिटर्न जो आपको उस पर मिलेगा ना वो भी काफी हाई होगा, ओके। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि वो भी जान सके हाउ टू बीट इन्फ्लेशन इन इंडिया, ओके। थैंक यू।